हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे इस नए वीडियो पर। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमारे सामने एक वोल्टेज स्टेबलाइजर रखा है जो कि एसी में इस्तेमाल होने वाला वोल्टेज स्टेबलाइजर है। ल्यूमिनस कंपनी का है और यह है टफेक्स ल्यूमिनस का मॉडल है। और बताते हैं कि यह अंदर से कैसा दिखाई पड़ता है और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, कंपनी ने इसकी वर्किंग रेंज क्या बता रखी है और इसकी एक्चुअल वर्किंग रेंज क्या है, आपको ये खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए। तो ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखें, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस स्टेबलाइजर के बारे में, कंपनी ने जो बता रखा है। तो देखिए, आपको शायद नजर आता हो जो दे रखा है, ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर सुटेबल फॉर अप टू 1.5 टन एसी, यानी 1.5 टन के एसी के लिए सुटेबल है। और इनपुट वोल्टेज रेंज इसकी दे रखी है 130 वोल्ट टू 280 वोल्ट एसी, यानी कम से कम 130 वोल्ट आने पर और ज्यादा से ज्यादा 280 वोल्ट आने पर आपका स्टेबलाइजर ये काम करेगा। और इसका मतलब ये होना चाहिए कि 130 वोल्ट आने पर इसे आउटपुट कम से कम 200 वोल्ट होना चाहिए, क्योंकि 200 वोल्ट से कम होने पर आउटपुट एसी काम नहीं करता है। तो देखते हैं कंपनी का दावा बिल्कुल सही है या फिर गलत है, 130 वोल्ट से हमारा स्टेबलाइजर काम करेगा या फिर नहीं करेगा। तो देखिए दोस्तों, आप इसके इनपुट पर ध्यान दीजिएगा, इनपुट 145 वोल्ट और आउटपुट में ये निकाल रहा है 201 वोल्ट के आसपास, यानी ये 144 वोल्ट से इसका काम स्टार्ट हो रहा है। ये 130 वोल्ट से जो कंपनी ने बता रखा है वो गलत बता रखा है। ये देखिए आउटपुट 201, मैं वोल्टेज थोड़े कम करता हूँ। ये देखिए वोल्टेज मैंने थोड़े कम किए, तो ये देखिए 189 और 190 के आसपास वोल्टेज बता रहे हैं। अब इनपुट वोल्ट देखिएगा इसके, ये देखिए 137 वोल्ट इनपुट आने पर भी ये 190 वोल्ट आउटपुट निकाल रहा है। तो इसके वोल्टेज थोड़े और कम करते हैं, इसे 130 वोल्ट देखते हैं। ये देखिए हमने इसे तकरीबन 130 वोल्ट इनपुट दे दी। अब देखिए 130 वोल्ट इनपुट देने पर ये 180 वोल्ट आउटपुट निकाल रहा है, यानी कंपनी का दावा बिल्कुल झूठा है, कंपनी आपके साथ फ्रॉड कर रही है। ये जो उन्होंने दावा किया है कि 130 वोल्ट से हमारा स्टेबलाइजर स्टार्ट वर्किंग रेंज की, तो वो झूठ है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर आप भी बताइए कमेंट करके कि आपको क्या लगता है कि ये 130 वोल्ट से जो उन्होंने स्टार्ट करने वाला दावा किया है वो सही है या गलत है। अभी तक मेरी जानकारी के हिसाब से तो यही होना चाहिए कि अगर जो मिनिमम रेंज आपने दे रखी है तो उस मिनिमम रेंज को आउटपुट 200 वोल्ट करना चाहिए, बट यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। और ऐसा नहीं केवल ल्यूमिनस में हो, किसी भी कंपनी का वोल्टेज स्टेबलाइजर देख लो एसी के लिए खासतौर पर, भले वो आपका ल्यूमिनस हो, वीगार्ड हो, माइक्रोटेक हो, लिपगार्ड हो या जो सा भी, ब्लूबर्ड हो, एक्स वाई जेड जो भी आ रहा है, तो सब में वर्किंग रेंज के नाम पर फ्रॉड होता है। अगर ये आपको बोलते हैं कि 150 वोल्ट से वर्किंग रेंज स्टार्ट है, तो 150 वोल्ट से स्टार्ट नहीं होती, वो 165 या फिर 170 से स्टार्ट होती है। 130 वोल्ट रेंज बताते हैं तो वो 145 या फिर 150 से स्टार्ट होती है, तो कस्टमर के साथ सरासर धोखा है। चलिए खैर, ये तो बात हुई वर्किंग रेंज की, अब आपको अंदर से दिखाते हैं कि ये अंदर से कैसा दिखाई पड़ता है। ये देखिए ट्रांसफार्मर इसमें अच्छा यूज कर रखा है और बाकी जो किट वगैरह इसमें यूज कर रखी है ये वीगार्ड स्टेबलाइजर की कॉपी है, वीगार्ड में ये किट आती है। अब इन्होंने ल्यूमिनस में भी इसे यूज कर रखा है, किट खैर अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है, ट्रांसफार्मर भी अच्छा दे रखा है, लेकिन बात सिर्फ वोल्टेज रेंज की है, वोल्टेज रेंज इसमें गलत दे रखी है, बाकी स्टेबलाइजर ओवरऑल अच्छा है। आप खरीदना चाहें खरीद सकते हैं, लेकिन वोल्टेज रेंज का ध्यान रखकर। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आपको आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।